आपके गुरुजनों का और जिन लोगों ने भी आपका मार्गदर्शन किया है उन सभी का आशीर्वाद है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप ही लोगों को यह अवसर मिला है। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी सच्ची लगन से, कड़ी मेहनत से और अपने पूरे सामर्थ्य के साथ निपुणता से विभाग को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मेरा मानना है कि आप सभी जो हमारी सबसे नीचे की इकाई है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उसमें जाकर जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम करेंगे, उसको सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे और जो समाज का अंतिम छोर है जहां से हमारी इकाई प्रारंभ होती है उस इकाई को मजबूत करेंगे और अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो शासन की नीतियां हैं, सुविधाएं हैं, उनकी सहायता है, उन सबको पहुंचाने का काम करेंगे और इसकी आप न्यू बनने का काम भी आप सब करेंगे। क्योंकि आप सब जितने सशक्त होंगे, जितने मजबूत होंगे, जितनी पारदर्शी तरीके से आप काम करेंगे उतने ही मजबूती से हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो भी मजबूत होगा और जो सुराज की परिकल्पना है, स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ शासन, पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उस व्यवस्था को भी धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है और अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने अपनी हर योजना में लिया है। अगर हम 2014 से पहले के देश की कल्पना करें या थोड़ी देर पीछे चले जाएं कि 2014 से पहले किस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर लागू होती थी और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से देश में उन योजनाओं को लाया गया है, उन नीतियों को लाया गया है जिनके कारण से लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े, देश के अंदर एक कार्य संस्कृति पैदा हुई है कि आप हर क्षेत्र में देश आगे बढ़े, हर एक भारतवासी के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कोई सेवाएं हो या खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आज भारतीय हर क्षेत्र में अव्वल अपने आप को मानते हैं, मानते भी हैं और उनका मानसिक जो स्तर है या मैं कहूं कि मानसिक स्थिति है वह भी इस प्रकार की बनी है कि हम भारत के रहने वाले भारतवासी दुनिया के किसी भी क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को हम रास्ता दे सकते हैं। इस प्रकार का एक वातावरण आज देश के अंदर बना है और मैं तो आप सबसे कहूंगा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की परेशानी, उसकी जो शिकायतें हैं सरकार तक पहुंचाने और सरकार द्वारा जो काम लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनको पहुंचाने में आप सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आप सब एक सेतु का काम करने वाले हैं, आप सेतु बनने वाले हैं। जानते हैं सेतु क्या करता है? एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम करता है, रास्ता बनाने का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, मार्ग बनाने का काम, मार्गों को जोड़ने का काम करता है। वहीं जहां ये भूमिका आपको करनी है वहीं सेतु बनके लोगों के दिलों को जोड़ने का भी काम आप सबने करना है। आज सरकार बहुत सारे काम कर रही है, खुद चलकर सरकार की योजनाएं, सरकार के अधिकारीगण लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनको सशक्त भी बनाने का काम
विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चल रहा है, विभिन्न माध्यम किसी योजनाएं चल रही हैं। आज चाहे हम राज्य सरकार की ओर से कहें एलपीजी गैस के कनेक्शन हो, हमने राज्य के अंदर 182,000 परिवारों को एक साल में 3 सिलेंडर निःशुल्क रूप से भरे जाने की योजना हम लेकर आए हैं। कोई योजना चल रही है, गरीब जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। और ये हमारा संकल्प था कि ये नई सरकार गठन होगी तो हम सभी को निःशुल्क इस योजना का लाभ देंगे। बिजली के कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज इज्जत घरों का निर्माण हो या अन्य योजनाएं जो सरकार की प्रत्येक योजना के केंद्र में अगर कोई है तो समाज का ऐसा वर्ग है जिसको इन योजनाओं की आवश्यकता है, जो अभी तक इन योजनाओं से वंचित रहा है, जिसको सहायताएं नहीं मिली हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली जो हमारी सरकार है वह भी अपने जो वंचित वर्ग हैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर रही है। हमारा निरंतर प्रयास है कि विकास केवल शहरों तक ही सीमित न रहे, विकास की धारा हर क्षेत्र में जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में या कम जो सेमी अर्बन क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी विकास पहुंचे। आप सब लोगों को जिन क्षेत्रों में काम करना है मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ग्राम सभाओं में बसती है। लेकिन अगर हम पहले थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो उस समय में जितना काम होना चाहिए था उस प्रकार से काम हुआ नहीं, धरातल पर जो ध्यान देना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया गया। और 4 दशक तक देश के अंदर ऐसी सरकार रही कि गांव में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करना जो जरूरी था, जिसके बारे में भी निधि बहुत विस्तार से यहां पर बता रही थी, वो बन नहीं पाई। इसके बाद भी जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी उसे भी उन्होंने उसी हाल में छोड़ दिया, जो जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में चलती रही। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए भी पहले के समय में बहुत ठोस प्रयास हुए नहीं जो बहुत ठोस प्रयास होने चाहिए थे। 90 के दशक में भी पंचायती राज के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई। आजादी के बाद आप सबको पता है, हालांकि ये बोलने का विषय नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग हमारे नवोदित उदयमान हमारे सब अधिकारी गण हैं और आपको व्यवस्था बनाने का काम भी करना है, व्यवस्था जो चल रही है उसमें नवाचार भी लाना है, नीतियां जो सरकार की हैं उनको आगे बढ़ाना है। इसलिए हमको हर प्रकार से जागरूक भी होना होगा कि देश की आजादी के बाद लगभग 60 वर्षों तक इस देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन रहा और उन्होंने जो गांव का जो भरोसा था उस भरोसे को हमेशा तोड़ने का काम किया, भरोसे को मजबूत करने का काम नहीं किया। और गांव का जो सबसे निचला पायदान है उसमें बजट बहुत कम दिया गया और बजट दिया भी गया तो वो बीच में ही कहीं खपा दिया गया। जिन लोगों को लाभार्थी होना था, जिनको उस जरूरत के लिए वो योजनाएं मिलनी थी, वो सहायता मिलनी थी, वो सहायता उन तक पहुंच नहीं पाई। और जो पैसा भेजा जाता था वो बीच में ही लुट जाता था। मेरा मानना है कि गांव के साथ इस तरह का व्यवहार करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस स्थिति को ठीक प्रकार से समझते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, समाज का अंतिम छोर है, उसको महसूस करते हुए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस सारी स्थितियां जो पहले की थी उस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। डीबीटी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, जनधन खातों के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक के खातों में पैसा भेजने का काम हुआ।
पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर गांव तक पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक की पहुंच बनाई गई। आज इसका प्रभाव देश के हर गांव में दिख रहा है। योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में जा रहा है। हमारी सरकार भी विकास के लिए वो हर कार्य कर रही है जो पहले के समय में नहीं हो पाया। जिसकी आवश्यकताएं थी, जरूरत थी, उन सब योजनाओं को ला भी रहे हैं, योजनाओं में नवाचार भी कर रहे हैं। हमको कोई भी निर्णय राज्य के हित में लेने हो रहे हैं तो हम वो निर्णय भी देख रहे हैं। आप लोग स्वयं देख रहे होंगे जो पहले के समय की गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारने का भी हम काम कर रहे हैं। उन गलतियों को फिर न दोहराया जाए, उसकी पुनरावृत्ति न हो, उस प्रकार के भी निर्णय हम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो भर्ती की परीक्षाएं थी उसमें किस प्रकार की धांधली होती थी। अभी निधि जी बता रही थी यहाँ से कि किस किस प्रकार से कोई खेत में काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, उसके बाद उसका चयन हो जा रहा है। ये इन्हीं सब निर्णयों का परिणाम है कि जो धांधलियां होती थी, गड़बड़ियां होती थी, नकल होती थी, हमने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी और 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए और ये नकल का अध्यादेश आज राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक मॉडल बन गया है। पूरे देश में अन्य राज्य भी आज हमारे नकल अध्यादेश को देख रहे हैं और उसी प्रकार का नकल अध्यादेश अपने यहां लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं। पहले के समय में आप देखते थे कि एक से एक योग्यता पहले भी थी, क्षमता पहले भी थी, प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता उसमें लूट हो जाती थी, नकल हो जाती थी, पेन ड्राइव पर पर्चा आउट हो जाता था, पेन ड्राइव पर नकल हो जाती थी या जहां पेपर छपता था वहीं से पहले से क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाता था। इन सब पर हमने रोक लगाया। उसका परिणाम हुआ कि आज आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसे होंगे जरूर, अगर जिन्होंने किसी ने एक परीक्षा में पास हुआ है, चयन हुआ है, तो दूसरी में भी हुआ है, उसका दूसरी में होने वाले का तीसरी में भी हुआ है, चार में भी हुआ है एक एक का, और किसी का तो पांच में भी हुआ है। तो आखिर क्या कारण था कि पहले नहीं हो रहा था और अब होना शुरू हो गया? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये इन लोगों का भी नहीं है कि यहां बैठे हैं, तो इनका ही क्वेश्चन है। ये प्रश्न हम सबका है ना? नहीं बताइए, आप लोगों का भी तो क्वेश्चन होगा ये कि आखिर ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि पहले चयन ही नहीं हो रहा था और अब चार चार परीक्षाओं में चयन हो रहा है? तो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप सब लोगों को खोजना है और लोगों को ही बताना है कि आखिर क्या बदलाव हुआ, कि पहले और अब में अंतर क्या हुआ है। तो ऐसे पारदर्शिता भी लाई गई है। जो सिफारसी तंत्र था, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, उसको भी हमने पूरी तरह से खत्म किया है और समय से जो परीक्षाएं हैं वो भी संपन्न हुई हैं। और इसी का प्रतिफल है, इसी का परिणाम है कि आप लोग तो बहुत बाद में आपका नंबर आया है। ऐसा शायद कोई दिन होता है जिस दिन मैं देहरादून में होता हूं कि इस मुख्य सेवक सदन में कोई न कोई विभाग नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम समारोह यहां पर आयोजित न करता हो। प्रत्येक दिन यहां पर आयोजित होता है। हाँ, आप सभी जानते हैं कि पहले के समय में बहुत सारे जख्म हैं, जो जख्म जो है बहुत गहरे हैं, लेकिन इन जख्मों को भरने का प्रयास हो रहा है, राज्य को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और इसी प्रकार के जो जख्म, जो कैलेंडर जारी होता था, भर्तियां होती नहीं थी, नौकरियां रिक्तियां बनी रहती थी, उनमें पद भरे नहीं जाते थे, उन सबको भरकर जल्द से जल्द हम युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम, उनको समय से उनकी क्षमता के अनुरूप
उनका काम मिले, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। आप सभी को भी आज जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी सजगता के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे और अपने गांव के जो उत्थान के लिए काम करना चाहता हूं कि जो भावना है, उस भावना को ध्यान में रखते हुए गांव के लिए, गांव के विकास के लिए आप सब समर्पित रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे गांव के विकास में कोई भी अब बाधा नहीं बन सकती, कोई भी रुकावट बीच में नहीं रह सकती है। इसलिए मेरा आप सभी से अपील है कि आप सभी गांव को अपना घर समझकर कार्य करें ताकि गांव के जो विकास हैं उनको पंख लग सकें, विकास की धारा में गांव भी हमारे शहरों की तरह आगे बढ़ सकें और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न और संकल्प है कि समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति का भी उत्थान होना चाहिए, उसको भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे नौनिहाल बच्चे जो ग्रामीण परिवेश में पलते हैं बढ़ते हैं उनको भी वो सब सुविधाएं मिल सकें और प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और प्रयास जो मंत्र है वो आगे बढ़कर जनहित में इस दिशा में कार्य किए जा सकें, क्योंकि आज हमारा उत्तराखंड का विकास विश्वास के अभूतपूर्व माहौल में जन जन की आकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है। एक वातावरण आज पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड के लिए बहुत सकारात्मक बनाया है। आज चूंकि मैं पिछले दिनों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करने के लिए, उत्तराखंड के बारे में बताने के लिए जब दुनिया के विभिन्न देशों में गया तो जिस प्रकार से लोगों ने हमारा स्वागत किया, जिस प्रकार से उन्होंने एक मन में इच्छा प्रकट की, हमको बताया कि हम उत्तराखंड में आकर काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश दुनिया के लोगों का ध्यान हमारी तरफ गया है और उसका परिणाम भी हुआ कि हम सोचते थे कि 2.5 लाख करोड़ का हमारा MOU होगा, होगा कि नहीं होगा हमारे मन में ही था जब हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के काम को आगे बढ़ाया। लेकिन जब हम आगे बढ़ते गए, उसकी डेट आती गई, तो जिस दिन उसका मुख्य फंक्शन था, मेन फंक्शन से पहले ही हमारे जो है 3.5 लाख करोड़ के MOU हो गए। आप सोचिए 1 लाख करोड़ ज्यादा है और इतना ही नहीं, जहां MOU 3,50,000 करोड़ के हो गए वहीं 64,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग पर भी काम शुरू हो गया है। एक बड़ी धनराशि लोग यहां लगा रहे हैं, तो बहुत सारे अवसर लोग उत्तराखंड में देख रहे हैं, उसमें आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मैं तो ये कहूंगा कि पहले दिन आपकी जिस दिन से नियुक्ति हो रही है, जिस दिन से आप अपने काम पर जाने वाले हैं, चाहे वो प्रशिक्षण का काम हो या अपने कार्यालय में ज्वाइनिंग देने का काम हो, उस दिन से अपने जीवन के ध्येय को अपने सामने स्पष्टता से रखिए कि मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे अपने जीवन को सफल और सार्थक कैसे बनाना है, मुझे आखिर ये जिम्मेदारी मिली है तो किस लिए मिली है, मुझे दायित्व तो मिला है, मुझे काम मिला है तो किसने मिला है, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अपने साथ कि मैं अपने साथ अपने जीवन में कड़ाई से स्वयं अनुशासन का पालन करूंगा, अपनी दिनचर्या बनाऊंगा और लोगों की सेवा में जो भी एक एक पल और एक एक क्षण अपना लगाऊंगा, जिससे कि मैं शाम को अपने घर वापस आऊं, अपने काम से लौट कर आऊं तो मेरे मन में इतना सा भी विचार ना आए कि मैं आज दिन भर में ये काम कर सकता था और मैंने नहीं किया, ये जरा सा भी संदेह आपके मन में नहीं आना चाहिए। और ये तब नहीं आएगा जब आप पूरी क्षमता के साथ, पूरी अपनी जितनी सामर्थ्य है उसके साथ काम करेंगे और सेवा की भावना मन में रखेंगे। और एक बात और, कई बार जब हम ऑफिस जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा, कुछ लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ लोगों को कम काम भी हो, कई बार कम काम हो या ज्यादा काम हो, आपको मानसिकता ये बनानी है कि भाई ये काम तो मुझे करना ही करना है। आपका भी जो एक बोलते हैं ना, एक जनरल बनते हैं, जनरल होता है ना कि 25-30 एक महीने का जिसमें पूरा नोटिस बनाया जाता है कि मैं ये काम कब करूंगा, ये काम कब करूंगा, आज इस दिन क्या करूंगा, तो एक अपने का पूरा प्लान
प्लानिंग के साथ, वो आपके पास दिनचर्या का प्लानिंग होना चाहिए। और उसमें ये मत सोचिएगा कि बहुत बोझ आ गया, अरे मैं कैसे करूं इतना काम, रोज 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 यही काम, रोज ऑफिस जाना है, रोज यही करना है, रोज लोगों के बीच में जाना है, रोज लोगों का सुनना है, ये मन में नहीं। आपको लगना चाहिए कि हर दिन मेरे लिए एक नया दिन है, हर दिन मुझे कुछ नया करना है, हर दिन मुझे नए तरीके से लोगों को सर्व करना है। और करना तो है ही है, देखिए जब आप इसमें आ गए हैं, वो करना तो है ही है, ये आपकी जो ड्यूटी कहती है कि वो करना है, आपका दायित्व तो कहता है आपको करना है, लेकिन आपका मन भी गए, आपका विचार भी गए कि नहीं काम तो मुझे बहुत हंस के करना है, बहुत अच्छे मन से करना है जी, बहुत अच्छा जो मेरे पास आएगा, जो जिसकी मैं जो सहायता कर सकता हूं, मैं उसको और अच्छे से करके भेजूंगा यहां पर। तो आप देखिएगा आपका ये जीवन तो सफल हो ही गया कि आपको ये जिम्मेदारी मिल गई, ये आपको नियुक्ति मिल गई, आपको सेवा का माध्यम मिल गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले जितने भी जीवन होंगे वो सारे सफल हो जाएंगे, ये इस जीवन का सार है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि हम सबका जो सामूहिक लक्ष्य है वो विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य है, और हिंदुस्तान का हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसमें आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने अपने क्षेत्रों को कैसे आदर्श बनाएंगे, अपने विभाग को कैसे आदर्श बनाएंगे, हम अपने विभाग में कैसे नवाचार को प्रोत्साहित करेंगे, कैसे हम नवाचार लाएंगे, ये हम सबके हमेशा मन मस्तिष्क पर रहना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब करेंगे, आइए मिलकर हम इस दिशा में आगे बढ़ें और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए अपना योगदान दें। अंत में आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि आप सब अपने अपने क्षेत्रों में यशस्वी होंगे, सफल होंगे और जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके माता पिता को, परिजनों को, गुरुजनों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जरूर कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी।